अखिलेश यादव जी, चांदी का चम्मच पैदा होते ही उनको मिल गया है, जो अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ता है वो सारी चीजों को समझता है। 2012 में उनके पिताजी को, मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंपी। तो मैं यही कह सकता हूं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव जी की बचकानी हरकत, अखिलेश यादव जी का कई कई बार फैसले लेना फिर वापस लेना, और एक गरीब से गरीब आदमी कोई किराए के मकान में जाता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी मकान मिलता है, उसमें से टोटी खोल लेना, ऐसी छोटी और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो उनके डीएनए में है और बराबर ये करते रहे हैं। तो ये नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे एक सड़क का 100 करोड़ का है तो उसपे दबाव बना के डीपीआर 200 करोड़ का बना करके 100 करोड़ पार्टी फंड ले लें और 100 करोड़ में सड़क बन जाए, कुछ कार्यकर्ता कमा लें। नौकरी में बोलियां लगती थी, पूरे यादव भी पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं थे, कुछ ही जिलों के जो यादव थे उनको छूट थी, और गैर जिले के थे उनको भी बेचारों को पैसा देना पड़ता था। आज हमने लाखों नौकरी दी है और आदमी छाती ठोक के कहता है कि हमारी बेटी की नौकरी लग गई, बेटे की नौकरी लग गई, भतीजे की नौकरी लग गई, एक पैसा नहीं लगा। ये फर्क है जो साफ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में जो मदरसा जामिया है वहां पर